बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूएई विजिट वीज़ा पर जो लोग यूएई जाना चाहते हैं, अगर ट्रैवल एजेंट के थ्रू आपका वीज़ा अप्रूव नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आप ख़ुद ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तौर पर रहनुमाई दूंगा कि किस तरीके के साथ आप ऑनलाइन यूएई के विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है, और अप्रूव होने की सूरत में आप फिर यूएई ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड है, वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपको मुकम्मल तौर पर रहनुमाई मिल सके। तो कुछ रोज़ पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू एक मंथ और तीन मंथ का विजिट वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो उसके चार्जेस क्या हैं, वो आपके साथ शेयर किए थे। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर खुद ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसके चार्जेस क्या हैं। तो इसके लिए आपने आ जाना है emiratesvisaonline.com इस वेबसाइट पर। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें लिखी होंगी, आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हर कंट्री के लिए यूएई के विजिट वीज़ा का रेट अलग है, उसका सबूत भी मैं आपको आगे चलकर वीडियो में दूंगा। यहाँ से आप नीचे आएंगे तो नीचे आकर आप सिलेक्ट सिटीजन कंट्री, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने अपने कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। हम पाकिस्तानी हैं तो आप पीक लिखेंगे तो पाकिस्तान डायरेक्ट आ जाएगा। और उसके बाद है सिलेक्ट लिविंग कंट्री। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ पाकिस्तानी यूके के अंदर, यूएस के अंदर मौजूद हैं और वो वहाँ से यूएई आना चाहते हैं। अगर आपकी ये सूरत हाल है कि आप पाकिस्तान में नहीं बल्कि किसी और कंट्री में हैं, तो आप वहाँ से उस कंट्री का नाम लिख सकते हैं जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं। तो हम चूँकि अभी भी पाकिस्तान में हैं तो पी लिखेंगे तो पाकिस्तान आ जाएगा। यहाँ से आपने अप्लाई एमिरेट्स वीज़ा के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद ये लोड होगा और हमें नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। जो ही आप इस पेज पर आ जाएंगे तो ये आपको डिफरेंट विजिट वीज़ा की प्राइसेस आपके साथ शेयर करेगा। आपको बताता चलूँ कि ये जो विजिट वीज़ा की प्राइसेस के हैं, ट्रैवल एजेंट की प्राइस अलग है और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसकी प्राइस अलग है। थोड़ा सा ये महंगा है, लेकिन इसके थ्रू आप खुद अप्लाई कर सकते हैं और ज़्यादा इफेक्टिव है अगर आपको ट्रैवल एजेंट के थ्रू कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। अगर आप 30 डेज सिंगल एंट्री विजिट वीज़े पर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीज़े की वैलिडिटी 60 डेज है कि आप 60 डेज के अंदर कभी भी यूएई जाएं और फिर एक मंथ गुजारने के बाद सिंगल एंट्री पर वापस आ सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम 3-4 डेज है। इसके लिए जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो $26 है और वीज़ा की जो फ़ी है वो $140 है। 14 डेज के लिए अगर आप जाना चाहते हैं सिंगल एंट्री पर, 58 डेज इसकी वीज़ा की वैलिडिटी है और $130 वीज़ा की फ़ीस है। 30 डेज मल्टीपल एंट्री पर अगर आप जाना चाहते हैं, 60 डेज इस वीज़ा की वैलिडिटी है, 3-4 डेज प्रोसेसिंग टाइम है और इसके टोटल चार्जेस $405 हैं। उसके बाद 90 डेज सिंगल एंट्री, 180 डेज वीज़ा वैलिडिटी है, 90 डेज स्टे वैलिडिटी है, 3-4 डेज प्रोसेसिंग टाइम लगेगा और $400 इसके चार्जेस के। लेकिन 90 डेज मल्टीपल एंट्री पर अगर आप जाना चाहते हैं तो इसके लिए $830 चार्जेस के। सिंगल एंट्री पर $400 थे और मल्टीपल एंट्री पर 90 डेज के $803 के। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप पाकिस्तानी हैं, $140 आपने पे किए तो $140 के कितने बनते हैं, एक डॉलर पाकिस्तानी ₹167 के बराबर है। तो 140 का हिसाब करें तो 23,518 आता है। लेकिन अगर हम यहां से कंट्री को चेंज करके यहां से हम इंडिया को सिलेक्ट करते हैं और हम चेक करते हैं कि इंडिया के लिए क्या सूरत हाल है। यहां से इंडिया को सिलेक्ट किया, लिविंग्स यहां से भी इंडिया को सिलेक्ट करके फिर मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बताता हूं। जो ही हमने इंडिया सिलेक्ट किया तो यहां पर हमारे पास $115 आ गया। पाकिस्तानियों के लिए 30 डेज सिंगल एंट्री की जो फ़ी थी $140 थी और इंडिया के लिए $115 है। पाकिस्तानियों के लिए 23,000 बन रहे थे और इंडिया के लिए $115 हैं तो वो 19,000 बन रहे हैं, यानी कि इंडिया के लिए रेट अलग है और पाकिस्तानियों के लिए रेट अलग है, 4,000 का यहां पर फ़र्क आ रहा है। तो आपने इनमें से कोई भी ऑप्शन, लेट्स सपोज मैंने 30 डेज सिंगल एंट्री के ऑप्शन पर क्लिक किया और यहाँ से नीचे आकर आपने प्रोसीड टू अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और ये लोड होकर नेक्स्ट पेज पर हमें ले जाएगा जहां पर हमने बाकी डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले टॉप पर सिटीजन कंट्री, लिविंग कंट्री और वीज़ा फॉर, ये जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, आप तो यूएई में जा रहे हैं, यहां पर आप चेंज कर सकते हैं एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके। अगर आपको यहाँ पर एंट्री गलत हो गई है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसमें करेक्शन कर सकते हैं।
यहाँ आप अपनी पर्सनल डिटेल्स इंटर करेंगे, गिवन नेम में आप अपना नाम लिखेंगे जो कि पासपोर्ट पर मेंशन है, पासपोर्ट पर जो आपका सर नेम मेंशन है वो आपने लिखना है, फादर नेम यहाँ पर आपने लिखना है, यहाँ पर आपने मदर नेम लिखना है, यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, यहाँ पर आपने नेशनल आईडी नंबर लिखना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नेशनल आईडी ऑप्शन, जिन जिन ऑप्शन के आगे रेड कलर में स्टार लगा हुआ है वो कंपलसरी है, वो आपने लाजमी फिल करने हैं, और जिनके आगे स्टार नहीं लगा हुआ अगर आप उनको फिल नहीं करते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे नेशनल आईडी नंबर अगर आप नहीं लिखेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फादर नेम, मदर नेम, गिवन नेम, सर नेम एटसेट्रा ये आपने लाजम इंटर करना है। इसके बाद यहाँ से जेंडर के ऑप्शन पर आकर आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, और फिर उसके बाद आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है कि आप शादीशुदा हैं, कुंवारे हैं, क्या हैं, यहाँ से आपने डिटेल इंटर करनी है। उसके बाद ईमेल आईडी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ईमेल आईडी आपने लाजम लिखनी है, और ये आपने वो ईमेल आईडी लिखनी है जो कि फंक्शनल हो, जिस पर आपको मेल आ सके, जिसका आईडी और पासवर्ड आपको याद हो, क्योंकि इस ईमेल आईडी के थ्रू यूएई विजिट वीज़ा के हवाले से प्रोसेसिंग के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आपने इसके अंदर कोई गलती नहीं करनी, वही ईमेल आईडी लिखनी है जो कि आपकी एसएस में हो। तो अल्टरनेटिव ईमेल आईडी कोई दूसरी ईमेल आईडी है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मोबाइल डायल कोड, यहाँ पर आपने अपने मोबाइल का डायल कोड लिखना है, यहाँ से पहले अपने कंट्री कोड सेलेक्ट करना है, उसके बाद मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपसे मोबाइल पर भी रब्ता किया जा सकता है अगर ईमेल पर रब्ता ना हो तो। उसके बाद व्हाट्सएप, व्हाट्सएप का नंबर आपने एंटर करना है, यहाँ से पहले डायल कोड आपने कंट्री कोड सेलेक्ट करना है पाकिस्तान का, जैसे +92 है, और यहाँ से व्हाट्सएप नंबर आपने शेयर करना है। अगर ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर के थ्रू रब्ता नहीं हो पाता तो एमरेट्स वाले आपसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। यहाँ से आपने अपना प्रोफेशन सेलेक्ट करना है, आप किस पेशे से हैं, इसमें आप सेलेक्ट करेंगे तो बेशुमार ऑप्शन आ जाएंगे, तो आप अपने मुतलका जो भी ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से आपने अपनी एजुकेशन सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी एजुकेशन होगी वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से इसको एंटर करने के बाद आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को मुकम्मल कर देंगे। नीचे आएंगे तो पासपोर्ट एंड ट्रैवल इंफॉर्मेशन, यहाँ पर आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है जो कि बहुत ही लाजम है, क्योंकि यही चीज़ें आपके वीज़े पर लिखी हुई आएंगी। अगर आप अपना पासपोर्ट नंबर गलत लिखेंगे तो आपके लिए काफ़ी मसाइल हो सकते हैं। पासपोर्ट टाइप में आकर यहाँ से आपने रेगुलर सेलेक्ट करना है, क्योंकि डिप्लोमेटिक या बाकी कोई ऐसा पासपोर्ट आपके पास शायद ना हो, अगर है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपने पासपोर्ट आपका इशू कब हुआ था उसकी डेट लिखेंगे, और यहाँ पर पासपोर्ट की जो एक्सपायरी डेट है वो आपने लिखनी है, और यहाँ पर आपने डेट ऑफ अराइवल, आप यूएई में किस डेट को आना चाहते हैं, फर्जी डेट यहाँ पे लिखें, और डिपार्चर यहाँ पर भी आप उस हिसाब से, अगर आप 30 डेज का वीज़ा लेना चाहते हैं तो उस हिसाब से फर्जी 30 डेज का गैप रखकर ये डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आता है, एड्रेस 1 और एड्रेस 2, यहाँ पर आप एड्रेस लिखेंगे, और एड्रेस अगर आपकी मज़ीद लेन आती है तो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। उसके बाद सिटी, और फिर यहाँ पर आपने स्टेट लिखनी है, यहाँ आपने कंट्री आप अपना सेलेक्ट करना है, पोस्टल कोड ये सिलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं स्टेट और पोस्टल कोड के आगे स्टार नहीं लगा हुआ, तो आप चाहें तो इनको एंटर करें। अगर आपके पास पोस्टल कोड की इंफॉर्मेशन नहीं है तो नेट से आप हासिल कर लें, फिर भी अगर आपको नहीं मिलता तो आप गलत इंटर मत करें, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद नीचे आएंगे तो लास्ट मरहला है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। यहाँ आपने पासपोर्ट की कापी अपलोड करनी है जो कि PNG में हो, JPG में हो, JPEG में हो, या PDF में हो, और यहाँ पर आपने अपना फ़ोटो अपलोड करना है, वो वाइट बैकग्राउंड के साथ हो तो ज़्यादा अच्छा है। और इसके अलावा अगर बाकी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं तो अपलोड मोर डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मज़ीद ऑप्शन आते जाएंगे, आप उनको अपलोड कर सकते हैं। एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि आपने यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं आप कोशिश करें कि उनको स्कैन करवा के अपलोड करें। अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो मोबाइल में आप प्ले स्टोर से केम स्कैनर को डाउनलोड करें, और उसके थ्रू अच्छी क्वालिटी की पिक बनाकर उसकी मेमोरी भी ज़्यादा नहीं होगी और डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाएंगे, और उसको आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ से सबमिट एंड ऐड मोर एप्लीकेशन, अगर आप एक से ज़्यादा वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस ब्लू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप मज़ीद लोगों के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते, जस्ट आपने अपनी ही सिंगल एंट्री करनी थी, तो आप सबमिट एंड प्रोसीड टू प्ले के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पर आपको ले जाएगा जहाँ से आपने अपनी पेमेंट करनी है ऑनलाइन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू। आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो आप अपनी पेमेंट ऑनलाइन करके 2 से 4 दिन के अंदर आपका विजिट वीजा आ जाएगा। अगर इस हवाले से प्रोसेसिंग के दौरान किसी भी हवाले से आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप contact@emiratesvisaonline.com पर रब्ता कर सकते हैं। 24 घंटे इनकी सर्विस है, आप इनसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये आपको बर वक्त रिप्लाई करेंगे और आपके लिए कोई मसाइल नहीं होंगे। उम्मीद है कि ये डिटेल वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते थे तो आप इसके थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका इस हवाले से कोई क्वेश्चन है विजिट वीज़ा के हवाले से तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की आपके लिए मालूमाती वीडियोस में चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।